डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बरूटो, डेंकी और यहाँ पर उसके पूरे दोस्त लोग एक शो देखने के लिए आते हैं, यानी एक मूवी देखने के लिए आते हैं जिसका नाम रहता है कागेमासा। तो यहाँ पर वो लोग बैठकर कागेमासा देख ही रहे होते हैं कि कागेमासा इस मूवी में एक सुपर हीरो रहता है जो लोगों को बचाता है, और वो यहाँ पर एक सुपर हीरो की तरह रहता है जिसके पास आई पावर्स रहती है, और वो अपने आई पावर्स की मदद से पूरी दुनिया बचाता है और जितने भी लोग रहते हैं बुरे लोगों को पनिश करता है और अच्छे लोगों की जान बचाता है। बरूटो यहाँ पर बैठकर कागेमासा का शो ही देख रहा होता है और यहाँ पर वो देखता है कि किस तरीके से कागेमासा सभी लोगों को बचाता है और सभी लोगों को पूरी दुनिया को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर वो लोग बैठकर खा रहे होते हैं बर्गर, जहाँ पर वो पिक्चर की बातें कर रहे होते हैं कि एक सुपर हीरो होना कितना अच्छा है, जहाँ पर वो इवा भी कहता है कि बरूटो तुम्हारे डैड को तो कितना अच्छा है, तुम्हारे डैड एक होकागे है और वो कितने पावरफुल है, और यहाँ पर वो कहता है कि वो कितने अच्छे हैं और सबकी मदद करते हैं, वो बिल्कुल मासा कागेमासा जैसे है, जहाँ पर बरूटो कहता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। बरूटो कहता है तुम लोग जैसे डैड के बारे में सोचते हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, वो ओल्ड मैन बिल्कुल अजीब है, वो लेट उठते हैं, वो हमेशा लेट जाते हैं, लेट सोते हैं, खाना भी खाने नहीं आते बराबर, एनर्जेटिक फील नहीं करते, और वो बिल्कुल अजीब है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वो ओल्ड मैन बिल्कुल वैसा नहीं है, वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा अजीब है और उन्हें हमेशा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है हर चीज़ करने में, और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बरूटो रहता है वो अपने डैड के बारे में बताता है कि आखिर उसके डैड कैसे है, और यहाँ पर शिकाडाई और जो बरूटो रहते हैं वो ट्रेन के ऊपर से बैठ कर जा रहे होते हैं, जहाँ शिकाडाई कहता है कि वो अभी प्रॉब्लम पूरे विलेज में बढ़ने लग गई है, पहले वो हमारे सिर्फ अकेडमी में ही थी। बरूटो कहता है कि हाँ अभी बहुत सारे केसेस अकेडमी से बाहर होते जा रहे हैं, जहाँ शिकाडाई कहता है कि तुम्हें अपने डैड से बात करनी होगी, जहाँ बरूटो सोचता है कि मेरे डैड ऐसे ही परेशान रहते हैं और ऐसे ही बहुत अजीब रहते हैं, वो कहता है नहीं मैं उनसे बात ज़रा भी नहीं करने वाला, ये सब कुछ मैं ही करूँगा। जय शिकाडाई कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए कुछ है, क्या आखिर तुम इसे किस तरीके से रोकोगे, जब बरूटो बिल्कुल चौंक जाता है और शिकाडाई कहता है मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो अपने घर पहुँचता है और यहाँ पर वो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है, ताकि वो शैडो क्लोन्स बनाकर उनसे बात करते हुए उस जो डार्क परछाई है उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें निकल पाए कि आखिर वो डार्क परछाई किस तरीके से है और कहां से आई है। जहां पर हम देखते हैं कि वो स्टार्टिंग से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी जहां पर डेंकी से ये सब हुआ था, जहां पर डेंकी के साथ पहली बार हुआ था जब डेंकी को उस शेडो ने कंट्रोल कर लिया था और डेंकी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और यहां पर वो शेडो क्लोन बताते हैं कि एक इमोशनल एक्टिविटीज़ या तो फिर अटैक के बाद वो जो परछाई रहती है वो बदन से निकल जाती है, वो किसी तरीके का चाकरा नहीं है या किसी तरीके का जूत्सु नहीं है, वो कुछ अजीब ही तरीके का है, क्योंकि वो अंदर से निकलता है और ज़्यादा इमोशन होने पे, यानी अगर हम अपने होश में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो अपने बदन को वापस से ले सकते। जहाँ पर एक शेडो क्लोन बोलता है ये सब कुछ बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है और हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, शायद हमें ये डैड को बता देना चाहिए। जहाँ पर बरूटो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम डैड को नहीं बताएंगे, ये हमारे लिए है, डेंकी के साथ जो भी किया है हमारे दोस्तों के साथ मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और हम उसे मज़ा चका के रहेंगे। और यहाँ पर सभी शेडो क्लोन भी नरूटो की बात से हामी भरते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि नरूटो यहाँ पर घर से बाहर चले जाता है ताकि वो कुछ सोच सके, और यहाँ पर उसे शिकाडाई दिख जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग बैठ के खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर शिकाडाई कहता है कि तुम्हारी मॉम युगा क्लैन की प्रिंसेस है, तो क्या पता बरूटो तुमने बियाकुगन एक्टिवेट कर ली हो। जहाँ पर मित्सुकी कहता है कि बियाकुगन एक पावरफुल आई जुत्सु है जिसकी मदद से हम चाकरा और काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, और यहाँ पर मित्सुकी को देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और सो बोलते हैं कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। जहाँ पर मित्सुकी कहता है कि मैं कब से यहाँ पर आ गया हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं बियाकुगन एक्टिवेट किया हूँ, और अगर मैंने कर भी लिया होगा तो किसी को ये बात का भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि बियाकुगन एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए रहती है और काफ़ी ज़्यादा लगन के बाद जाकर बियाकुगन एक्टिवेट होती है।
है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो सोच रहा होता है कि आखिर मेरी ब्याकुगन एक्टिवेट हुई है या नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सो रहा होता है और तभी अचानक से उसे एक सपना आता है जहाँ पर वो एक अलग जगह पर पहुँच जाता है। बरूटो कहता है, मैं कहाँ पर हूँ, आखिर मैं कहाँ पर आ गया। तभी हम एक उत्सुत्सुकी को देखते हैं जो बरूटो को कहता है, जहाँ पर वो उत्सुत्सुकी बरूटो का नाम लेते हुए कहता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो लोगों के लिए आशा है वॉर को ख़त्म करने के लिए। तो जहाँ पर बरूटो कहता है कि क्या मेरी आंखें, जहाँ पर वो उत्सुत्सुकी कहता है कि हाँ तुम्हारी आंखें ही है आशा की किरणें और तुम ही हो, अपने आँखों के साथ ये बदल सकते हो और तुम ही अपनी किस्मत बदल सकते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो जैसे ही उठता है वो अपने हाथ में एक मिरर लेता है और जैसे ही वो मिरर लेकर अपना चेहरा उस आईने में देखता है वो देखता है कि उसकी एक आंख पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ये देखकर वो पूरी तरीके से खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने ब्याकुगन एक्टिवेट कर लिया है और वो कहता है, मैं ही हूँ दुनिया का रक्षक, मैं ही हूँ जो अपनी आंखों की शक्ति से इस दुनिया को बचाने वाला हूँ, मैं हूँ कागेमासा। और ये कहकर वो अपनी आंखों पे वो कागेमासा के चश्मे लगा लेता है। यहाँ पर हिमावरी जो रहती है वो बरूटो के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से उड़ी आती है। और यहाँ पर बरूटो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मैं दुनिया को बचाने वाला हूँ, मैं ही हूँ असली सुपर हीरो और मैं ही लोगों की जान बचाने वाला हूँ, ये मेरी आंखों की सही मैं लोगों की जान बचाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिमावरी देखती है कि बरूटो पूरी तरीके से अजीब बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नारुतो रहता है वो यहाँ पर अपने काम कर रहा होता है। जहाँ पर शिकामारू कहता है कि लोगों के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और लोग जल्दी से बीमार हो रहे हैं और सबका चक्रा पूरी तरीके से ड्रेन हो रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर काफ़ी दिनों से बराबर से सोया होता नहीं है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बरूटो रहता है वो यहाँ पर शिकामारू की बातें सुन रहा होता है पर उसका जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे चक्कर जैसा महसूस होता है जिसकी वजह से शिकामारू कहता है कि जाओ जाकर तुम घर पे आराम कर लो। और यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो नारुतो को घर तक छोड़ने आ जाता है, जहाँ पर हिनाज़ा थैंक्स कहती है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो पूरी तरीके से थक चुका रहता है, पर तभी ऊपर से आवाज़ आ रही होती है बरूटो की और वो कहता है कि आखिर ये क्यों इतना चिल्ला रहा है। जहाँ हिनाज़ा कहती है कि वो सुबह से पूरी तरीके से अजीब बिहेव कर रहा है और वो क्या मालूम अलग तरीके से बिहेव ही कर रहा है। ये बात सुनकर बरूटो को देखने के लिए नारुतो बड़ी तेजी से ऊपर जाता है कि आखिर उसे ऐसा क्या हुआ है। और जैसे ही वो दरवाजा खोल के देखता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर कागेमासा का चश्मा पहनते हुए कहता है, मैं इस दुनिया का रक्षक हूँ, मैं इस दुनिया को बचाने वाला हूँ, मैं अपनी इस आंखों की पावर की मदद से इस दुनिया को बचाऊंगा, मैं यू अगला सुपर हीरो। और ये देखकर नारुतो कहता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, और आखिर इसे आज क्या हो गया है, आज ये थोड़ा और अलग बिहेव कर रहा है। जहाँ पर नारुतो कहता है कि डैड मुझे आपको बताने के लिए कुछ है। जहाँ पर नारुतो पूरी तरीके से चौंक जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कहीं तुमने स्क्रोल ऑफ सीलिंग तो नहीं चुरा ली। जहाँ पर बरूटो को यहाँ पर कहता है, क्या स्क्रोल ऑफ सीलिंग, आखिर ये क्या होता है। जहाँ पर नारुतो कहता है कि ये एक सीलिंग है जिसके अंदर बहुत सारे काफी सारे जुत्सु रहते हैं। जहाँ पर बरूटो कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा और मैं काय के लिए ये सब चीजें चुराऊंगा, कोई बेवकूफी होगा जो ये सब चीजें चुराया होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारू और हिनाता हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि स्क्रोल ऑफ सीलिंग्स नारुतो ने चुराया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो कहता है, नहीं मुझे आपको कुछ और बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि मेरी ब्याकुगन एक्टिवेट हो गई है। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हिनाता रहती है वो पूछती है, क्या तुम सही कह रहे हो। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो काफ़ी समय के लिए चुप रहता है और वो बरूटो को कुछ नहीं कहता। और यहाँ पर उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम कह रहे हो, ब्याकुगन एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी मेहनत चाहिए रहती है, काफ़ी ट्रेनिंग चाहिए रहती है, काफ़ी सालों के बाद काफ़ी हार्ड वर्क के बाद वो ब्याकुगन एक्टिवेट होती है। कई युगा लोगों की तो ब्याकुगन एक्टिवेट भी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने बराबर हार्ड वर्क नहीं किया होता है। जहाँ पर बरूटो कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ। जहाँ नारुतो कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हिनाता कहती है कि बस आर्ग्यू करना बंद कर दो, इसमें कोई आर्ग्यू करने वाली बात ही नहीं है। जहाँ पर नारुतो कहता है, मैंने ब्याकुगन एक्टिवेट कर ही दिया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने ग्रैंडपा के यहाँ पर और वहाँ पर मैं प्रूफ दूंगा कि मेरे पास ब्याकुगन है, तुम लोग देखते जाओ, मैं ये प्रूफ दे ही दूंगा कि आखिर मेरे पास ब्याकुगन है और उसके बाद मैं सभी लोगों को दिखा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो हिमावरी और बरूटो यहाँ पर निकल जाते हैं अपने ग्रैंडपा के घर पे, यानी
हियाशी युगा के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि यहां पर बरुटो के ग्रैंडपा उसके पीछे ही खड़े रहते हैं और वो बरुटो को घूर कर देख रहे होते हैं। बरुटो उनको देखकर डर जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहां पर वो बरुटो को गले लगाते हुए कहते हैं कि तुम कैसे हो बेटा। और यहाँ पर जो हिमावारी रहती है वो भी वहाँ भागते हुए चले जाती है और यहाँ पर वो दोनों को गले लगाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम दोनों कैसे हो। और यहाँ पर बरुटो कहता है मुझे छोड़ो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हनाबी भी आती है और यहाँ पर हनाबी उन लोगों को देखकर जाती है उनके पास और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ। और यहाँ पर वो उन लोगों को गले लगाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नरुटो रहता है वो याशी से बात करता है कि ये कह रहा है बरुटो कि उसकी बियाकुगन एक्टिवेट हो गई है। जहाँ याशी युगा कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि बियाकुगन एक्टिवेट नहीं होती जब तक उसके लिए कड़ी ट्रेनिंग ना की हो। कड़ी ट्रेनिंग के बाद और ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद बियाकुगन एक्टिवेट होती है। और अगर बरुटो को ऐसा लगता है कि उसकी बियाकुगन एक्टिवेट हो गई है तो उसका टेस्ट मैं लूँगा, उसका अपोनेंट मैं बनूँगा। बाहर बैटलफील्ड में मैं और बरुटो हम दोनों लड़ाई करते करते बरुटो की बियाकुगन एक्टिवेट हो जाएगी। बरुटो क्या तुम तैयार हो? जहाँ पर हम देखते हैं कि बरुटो सोच रहा होता है, जहाँ पर नरुटो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का काम है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ पर बरुटो पूरी तरीके से तैयार रहता है और वो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। और अब उसे बस अपने डैड को यही दिखाना होता है कि उसके पास बियाकुगन है और उसके डैड ने जिस तरीके से उससे बात की है उसके लिए उसे शर्मिंदगी महसूस करवानी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर यहाँ पर हियाशी यहाँ पर आ जाता है ताकि वो यहाँ पर बैटल के लिए तैयार हो जाए। बरुटो और हियाशी युगा लड़े के एक दूसरे से ताकि लड़ाई करते करते बरुटो की बियाकुगन एक्टिवेट हो जाए, अगर बरुटो के पास बियाकुगन होगी तो।